हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। तो माय नेम इज आशीष और आज जो मैं टॉपिक चालू करने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? अगर 11th साइंस और कॉमर्स में महाराष्ट्र बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम लोग अगर कोई और बोर्ड के हो गए तभी भी ये वीडियो देख सकते हो। सर, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर? उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारे नंबर थे। जैसे कि अपने लाइफ में क्या थे? नेचुरल नंबर थे, अपने लाइफ में होल नंबर थे, अपने लाइफ में इवन नंबर थे, कंपोजिट, प्राइम, दुनिया भर के नंबर थे। तो सर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आने की जरूरत क्या पड़ी? चलो एक काम करते हैं, मैं लिख के देता हूँ ताकि तुम्हारा नोट्स भी प्रॉपर बने। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, क्या क्या था अपने पास लाइफ में? रियल नंबर की बात करता हूँ। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मुझे मालूम है अपने लाइफ में नेचुरल नंबर आया। चलो देखते, रियल नंबर में ही सब कुछ आता है, ये याद रखना। रियल नंबर में ही सब कुछ आते हैं। नेचुरल नंबर बात किया, और क्या क्या होता है? चलो बोलते जाओ। होल नंबर, ठीक है, आगे बोलो। और क्या होता है सर? अच्छा सर, एक बात बताता हूँ, इंटीजर्स भी होते हैं। हाँ, आगे बोलो गाइस। इंटीजर्स और क्या क्या होते हैं? बोलते जाओ। क्या? रैशनल। ओके, ग्रेट, रैशनल लिख दिया। और क्या हो सकता है? रैशनल नंबर। ओके, आगे लिखता हूँ। और क्या हो सकता है रैशनल का? दुनिया भर का अपोजिट वाला, इरैशनल नंबर। और बोलते जाना, इरैशनल नंबर। और बोलो, प्राइम नंबर। ग्रेट, बहुत सही बोल रहे हो, प्राइम नंबर। और सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, देखो आ जाएगा। क्या? कंपोजिट। ग्रेट, आगे बोलो। कंपोजिट और क्या क्या होते? और बोलते जाना, कंपोजिट नंबर। सर, इवन नंबर, ऑड नंबर भी होते क्या? हाँ, इवन नंबर बोलो। ओके सर, ऑड नंबर, हाँ हाँ। और भी कुछ होते क्या? होते सर, बोर्ड भर गया। हाँ, नहीं लिखूंगा इसके आगे, इतना ही लिखूंगा ये, ठीक है। चलो, नेचुरल नंबर क्या क्या होता है एक बार मेरे को रिकैप करा दो। सर, 1, 2, 3, 4 ऐसा ऐसा कर करके कहाँ तक जाता है पता नहीं, हम लोग इन्फिनिटी लिख सकते हो, लेकिन मैं लिख रहा नहीं हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। यात्रा, अच्छा, होल नंबर में सिर्फ जीरो इंट्रोड्यूस होता है, मतलब ये 1, 2, 3, 4 ये पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसमें जीरो इंट्रोड्यूस होता है। 1, 2, 3, 4 ऐसा सो ऑन। सर, चार तरह की गिनती आता है ना, ऐसा नहीं, चलते जा रहा है। मतलब होल नंबर के बारे में भी अपने के पास इन्फॉर्मेशन है। और बात कर लेता हूँ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या बोलता है भाई? नेगेटिव और पॉजिटिव भी चलेगा। मतलब सर, समझा नहीं, देखो जीरो तो मिडल बनता है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन चलते जाएगा। अच्छा, इस साइड रहेगा तो क्या आएगा? -1। आगे बोलो, -2 चलते जाएगा पता नहीं। तो इसका मतलब इंटीजर्स पिक्चर में क्यों आया? अच्छा, यहाँ पर ये सिर्फ नेगेटिव नंबर को पिक्चर में लेकर आया, क्योंकि अपने पास लाइफ में पहले से 1, 2, 3 पॉजिटिव इंटीजर था। देखो, यही अपना क्या है? यही तो अपना क्या है? नेचुरल नंबर है ना। अगर मैं बात करूँगा यहाँ से यहाँ तक नेचुरल नंबर है, और इधर से अगर मैं जीरो से स्टार्ट किया तो क्या लाया? होल नंबर। इसका मतलब सर, बात क्या करना चाहते हैं? इंटीजर्स ने किसको इंट्रोड्यूस किया? नेगेटिव नंबर को भी लेकर आया। वो बोला नेचुरल नंबर है, हाँ, चलो होल नंबर है, हाँ, चलो मैं पिक्चर में एक और नंबर को लेकर आता हूँ जिसका नाम है नेगेटिव। इसका मतलब तुम लोग को ये क्लियर हो गया कि अपने पास 0, 1, 2 यहाँ पर 2.3 दिख रहा है क्या तुम लोग को? यहाँ पर 2.3 दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब वो इंटीजर्स नहीं होता। इंटीजर्स में डेसिमल पॉइंट अलाउ नहीं है, ये क्लियर है। मतलब अगर मैं 3.2 बोलता हूँ तो तुम लोग बोलोगे नहीं सर, इंटीजर्स नहीं है। सर, वो डेसिमल पॉइंट कब इंट्रोड्यूस होता है? जब रैशनल नंबर आता है। क्या बोले सर आपने? रैशनल नंबर, यस। देखो रैशनल नंबर, अब मैं जब बात कर लिया, रैशनल नंबर क्या क्या होते हैं वो बताना सबके साथ। रैशनल नंबर देखो, यहां पर मुझे मालूम है बचपन में जो सीखा था P/Q, मैं वो नहीं बताना चाहता हूं। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, रैशनल नंबर पिक्चर में इसलिए आया, डेसिमल पॉइंट को इंट्रोड्यूस जब कराना था ना मुझे, तो रैशनल नंबर। जैसे देखो, 3.2 इधर है क्या? 3.2 नहीं, इधर है क्या? 3.2 नहीं, इधर है क्या? नहीं, तो इसलिए रैशनल नंबर आ गया। क्या बात है सर, 3.2, इसका मतलब 4.23, हां है ना, डेसिमल पॉइंट दिखा, यस, डेसिमल पॉइंट के बाद दो नंबर दिखा, यस, मतलब डेसिमल पॉइंट आया, मतलब रैशनल नंबर पिक्चर में आ रहा है। रैशनल या तो इरैशनल, मैं बताता हूँ, धीरज रखो थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर देखो 1.33333333, इसको रिकरिंग बोलते हैं इंग्लिश में, और अपन आसान भाषा में रिपीटिंग बोलेंगे। तुम लोग को याद आ रहा है ये कब आता है? जब मैं बात करता हूँ ना, यहाँ पर देखो, जब तुम लोग बात करोगे यहाँ पर, अगर तुम लोग को बताता हूँ 3/3 या फिर अपन 1/3 करेंगे ना, तो 0 point something आता है, 0.33333333, इसको सॉल्व करोगे तो तुम लोग को मालूम पड़ेगा, बराबर है। देखो P/Q के फॉर्म में, जिसको लगता रहेगा सर हम लोग ने बचपन में सीखा था P/Q, न्यूमरेटर और डिनोमेटर, देखो दिख गया। मैं ये नहीं इंट्रोड्यूस कराना चाहता, ये समझा, क्या डेसिमल पॉइंट दिख रहा है, यस, तो ये सबको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। सर, 2 क्या रैशनल नंबर है? देखते हैं, यहाँ पर इधर लिख रहा हूँ, क्या इधर बाजू में थोड़ा यहाँ पर समझो, इरैशनल में बाजू में लिखूंगा 2, देखते हैं। हाँ, रैशनल नंबर। सर, आपने डेसिमल पॉइंट कहाँ लिखा? अरे है ना, देख, 2 को कैन बी राइट 2.0, अरे वाओ, मतलब ये रैशनल नंबर है क्या सर? हाँ है सर। कहाँ दिख रहा है 3 आपको रैशनल नंबर? दिख रहा है मुझे 3.0। सर, 4 भी रैशनल नंबर है? यस। कहाँ दिख रहा है आपको 4.0? सर, ये -2 नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ, होता है ना,
-3.43 दिख रहा है, डेसिमल पॉइंट दिखा क्या तुमको? यस, पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करता मैं, बात कर रहा हूं डेसिमल पॉइंट की। तो रैशनल नंबर आ गया पिक्चर में, वाओ यार ग्रेट, बहुत अच्छा चीज सीखने मिल रहा है सर, ट्राई करो यार सीखने का, समझ रहा है? मैं महाराष्ट्र बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं सिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि सीखो, दिल से सीखो, ठीक है? यहां पर आगे बात कर लो, माइनस आया तो भी कोई तकलीफ नहीं, और कुछ बोल सकते हो सर? यस, देखो अगर मैं -2 बोलता तो क्या ये रैशनल है? यस, कहां दिख रहा है सर? देखो आप ऐसा लिखोगे ना, हाँ ऐसे लिखूंगा और क्या, आता नहीं मुझे, इतना समझ गया। मतलब सर ये भी रैशनल नंबर है? यस, ये भी रैशनल नंबर है? यस सर। जीरो का, अरे देखना जीरो को मैं, कैन वी राइट 0.0? यस वी कैन। तो इसका मतलब ये भी रैशनल नंबर है? यस। तो इरेशनल क्या हुआ? आपने तो ये बोल रहा हो कि डेसिमल पॉइंट आता है तो रैशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर क्या होता है? ये देखो किसी ने नोटिस किया, यहां पर देखो पॉइंट के बाद रुक जाता है, या तो रुकेगा नहीं, और नहीं रुकेगा तो चलते जाएगा। देखो यहां पर 3.2 दिखा, 4.23 दिखा, अच्छा 0.33333333, ये रुकेगा क्या कभी? ये रुकेगा, इसको बोलते रिकरिंग। देखो रिकरिंग, रिकरिंग मींस रिपीटिंग, रिपीटिंग मींस रैशनल नंबर। ये समझा? ये भी समझा सर? रिपीटिंग हो या रुक जाता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं रैशनल नंबर? मतलब जो टर्मिनेट होता है, जो कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा। देखो 3.2 रुक गया, रुक गया या नहीं रुका? यस रुक गया। देखो -2.0 रुक गया ना पॉइंट के बाद, ये वाला तो रुका नहीं, लेकिन इसको भी इसको क्या बोलने का? रिकरिंग, रिकरिंग है इसलिए रैशनल नंबर। तो सर इरेशनल क्या होगा? इरेशनल के बारे में देखो मैं दो एग्जांपल देता हूं, बचपन में लेके अपन ने पाए सीखा था, पाए याद आ रहा? पाए, पाए मीन्स व्हाट? 3.14 तुम लोग लिखते थे बचपन में, सर्कल वाला चैप्टर पढ़ा था कभी लाइफ में, तो वहां पर लिखते थे 3.14। एक्चुअली वो पार्शियल है, पार्शियल मतलब थोड़ा बहुत सही है। एक्चुअली में 3. जब तुम लोग गूगल करोगे ना तो 3.142 ऐसा चलते जाएगा, ये 2 2 2 2 2 नहीं आएगा, इधर कुछ तो अलग अलग नंबर आएगा, मतलब रिकरिंग नहीं होगा, अपने तरफ से अलग अलग नंबर आएगा, अपने तरफ से अलग अलग नंबर। ये समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? 3.14222 ऐसा 22 नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इधर कुछ तो नंबर आएगा, कुछ तो नंबर आएगा, ये कभी रुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं। तो ये भी तो सर हो, लेकिन ये रुकेगा नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है? रिपीट। जब तुम लोग इसको गूगल में काम करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, तो तुम लोग को एक दिखेगा वहां पर पाई का वैल्यू 3.142 ऐसा ऐसा दुनिया भर का नंबर दिखेगा। तो यहां पर दुनिया भर का नंबर समझो ऐसा 874 ऐसा कुछ तो दिखेगा, जो कभी भी रिपीट नहीं होएगा, चलते जाएगा, चलते जाएगा। ये समझा तुम लोग को? यस और नो बोलना है, हाँ या ना? पाई मतलब क्या नंबर? देखो इसका मतलब क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन, देखो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हम लोग इसको? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, समझाइए, या फिर नॉन रिकरिंग। ये समझा तुम लोग को? इरेशनल का मतलब देखो, जो कभी खत्म नहीं होएगा और अपने आप को रिपीट भी नहीं करता है, इसका क्या बोलेंगे? इसके बोलो, इसको क्या बोलेंगे? इसको मैं बोल सकता हूं, देखो इसको अगर मैं बात करने वाला रहूंगा तो मैं इसको बोलूंगा नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या बोलूंगा? रिकरिंग। ये समझ गया तुम लोगों? यस और नो, यस और नो बोला, यस और नो। अच्छा इसको क्या बोलूंगा अगर मैं इसकी बात करूंगा तो? सिंपल, इसको क्या बोलोगे आप? टर्मिनेटिंग। अरे यस और नो, टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो गया। देखो हम लोग कैसे बोलते हैं? टर्मिनस, टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस। इसका मतलब टर्मिनस मतलब क्या हो गया? वहां पर रुक गया, उसके आगे नहीं जा सकता। तो ये क्लियर रखना है तुम लोग को। तो रैशनल नंबर का मतलब होता है या तो रुक जाएगा, अगर नहीं रुका तो अपने आप को रिपीट करेगा, और ये क्या बोल रहा है? इरेशनल क्या बोलता है? कभी रुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, और अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा। उसी हिसाब से एक ई का वैल्यू होता है, जैसे पाई का वैल्यू होता ना, ई को हम लोग देखो तुम लोग पढ़ो रहोगे कभी, तो यहां पर ये देखो तुम लोग पढ़ोगे लाइफ में आगे चल के, लॉग बेस ई, इसका भी फिक्स वैल्यू होता है 2.71, ये भी चलते जाता चलते जाता, ये चलते जाता है मतलब 1111 नहीं है, इधर दुनिया भर का नंबर आएगा, दुनिया भर का नंबर आएगा। ये क्लियर है? इसका मतलब ये भी क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। अच्छा ये तो तुम लोग को मालूम है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होता है सबके सब? प्लीज बोलना सीखो, प्राइम नंबर क्या होता है? हाँ, जो खुद के टेबल में ही आता है, जैसे 1 नहीं, 1 को नहीं, 1 ऐसा बनता है ना, वो ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। तो 1 देखो 2, सिर्फ 2 से स्टार्ट होता है कोई भी नंबर। देखो 2 किसी और के टेबल में आता है क्या? नहीं। 3 नहीं आता किसी के। 4 आता ना किसी के टेबल में, हाँ किसके टेबल में? 2 के टेबल में, मतलब 4 प्राइम नंबर नहीं है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोजिट बोलते हैं। जो किसी के टेबल में आता तो उसको कंपोजिट, जो किसी के टेबल में नहीं आता उसको प्राइम नंबर। मतलब ये देखो 5 की बात करो, 5 किसी के टेबल में आता है क्या? नहीं, सिर्फ 5 के टेबल में ही आता है, बरोबर है। अच्छा 6 अगर मैं लिख सकता हूँ? नहीं सर, क्योंकि ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये क्या हो गया? कंपोजिट। ये क्लियर हो गया? तो ऐसा चलते जाएगा। देखो 7 ये चलते जा रहा है, ये भी चलते जा रहा है, ये कंपोजिट भी हो गया। अच्छा कंपोजिट में देखो यहाँ पर और कौन कौन आ सकते हैं? 8 देखो 2 के टेबल में, 4 के टेबल में भी आता है, 9 3 के टेबल में आता है, ये समझ रहे तुम लोगों को? 10 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 11 क्या रहेगा? 11 तो ये रहेगा ना सर, वो किसी के टेबल में नहीं आता है। 12 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, मतलब ये कंपोजिट। अच्छा इवन नंबर मतलब क्या होता है? जो 2 के टेबल में ही आता है सिर्फ, बरोबर। मतलब सर
2, 4, 6, 8. नाउ ऑड नंबर क्या होता है? 1, 3, 5 एंड सो ऑन. ये क्लियर हो गया तुम लोग को? यहाँ पर देखो सबका सब में डॉट डालो, ये ध्यान से समझना ये चीज, ये ध्यान से. क्लियर हो गया तुम लोग को? ये पूरा क्या है? डॉट डॉट डॉट. यहाँ पर ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट 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 चलते जा रहा है यहाँ पर. ये क्लियर करना तुम लोग को. अभी ये पता चल गया सर इतने सारे दुनिया में नंबर थे तो भी आपको गरज पड़ गया कॉम्प्लेक्स नंबर का? नहीं, मुझे नहीं, जो बनाने वाले ने उसको गरज पड़ा. मैं तो वो हूँ जो उससे सीखा और आपको सिखा रहा हूँ, समझ रहा है? मैं मीडिएटर बोलता हूँ ना, मिडल मैन मैं वो हूँ. तो टीचर को वही बोलते हैं ना यार, हम लोग सीखे किधर से और आपको सिखा रहे, वही चीज़ है, हर एक टीचर होता है. तो यहाँ पर मेरा जो काम था मैं वो कर रहा हूँ, ठीक है? अब तुम्हारा काम है लर्निंग, तो तुम लोग अच्छे से समझना. सर इतने सारे वापस, मेरा क्वेश्चन यही, इतने सारे नंबर थे आप वापस कॉम्प्लेक्स नंबर लाए कि पिक्चर में लाए, क्यों गरज क्यों पड़ी, इसका नीड क्या है? मैं थोड़ा सबर रखूँ, मैं बताता हूँ तुम लोगों को. चलो ध्यान से समझते हैं. सबसे पहले अगर मैं तुम लोगों को बोलता हूँ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9 इक्वल टू व्हाट, 0, इसको सॉल्व करके दिखाओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. तो तुम लोग में से कुछ लोग क्या बोलोगे, सर ये देखो एक्स स्क्वायर लिखो, -9 उस साइड जाएगा तो 9, मुझे मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, लेकिन थोड़ा सबर रखो. अच्छा क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट. क्या लिखोगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है? तो क्या कहा, एक्स इज इक्वल टू वोट क्या आता है सबके सब, प्लीज ये प्लस माइनस इसको टोपी पहना दो. हाँ पहना है. उसके बाद क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू वोट प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज वोट 3. ये क्लियर हो गया तुम लोग को? हाँ या ना, यस और नो. तो इसका मतलब समझता है, इसका मतलब दो चीज होता है, एक्स का वैल्यू 3 या तो फिर एक्स का वैल्यू -3. अगर मैं एक्स का वैल्यू 3 बोलता हूँ तो तुम लोग यही याद रखना, 3 × 3 करोगे तो क्या मिलेगा? 9. यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? येस और नो. अच्छा अगर मैं -3 बोलता हूँ तो इसका मतलब -3 × -3 क्या मिला? 9. इसका मतलब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 9 कोई बोलता है तो इसका मतलब +3 दो आंसर आता है, एक तो +3 बोलो या तो फिर -3 बोलो. +3 बोला तो +3 को +3 से मल्टीप्लाई कर तो 9 मिलेगा, और -3 पकड़ा तो -3 को -3 से मल्टीप्लाई कर तो 9 मिलेगा. मतलब दोनों आंसर सही है, येस. चलो ये हो गया पहला. अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ, एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू वॉट 0. चलो सोच के बताओ क्या. हाँ सही है, देखो ऊपर देखो सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 16 विद टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड. तो आप क्या लिखोगे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 16, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16 क्या होता है? 4. इसका मतलब सर दो चीज होता है, क्या क्या होता है गाइस, बोलो बोलो. एक्स इज इक्वल टू वॉट 4 सही है, और क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू वॉट -4. अगर मैंने 4 पकड़ा तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? 16. अगर मैंने -4 पकड़ा तो -4 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता है? 16. देखो -, प्लस और 4, 4 से 16. ये क्लियर होता है? तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया. चलो एक तुम लोग मुझे बताओ, चलो ट्राई करो प्लीज, नोट्स बना रहे हो साथ में आप, देखो सबका सब, स्क्रीनशॉट भी लो और नोट्स भी बनाते जाओ. ऐसा ना हो जाए कि सिर्फ देख रहे हो, मजा ले रहे हो, पॉपकॉर्न खा रहे हो, चाय पी रहे हो, मम्मी चाय ला, वो सब मगजमारी नहीं, अपने को एकदम सिस्टमेटिक करना है. बोलो एक्स स्क्वायर माइनस, अगर मैं बोलता हूँ एक्स स्क्वायर -25 तो तुम लोग इसका आंसर क्या करोगे? चलो वीडियो पॉज करो, पॉज करो, ग्रेट. हाँ आगे नाउ व्हाट, सी यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 बराबर है, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? प्लस माइनस में डायरेक्टली लिखता हूँ 25. एक्स का वैल्यू क्या आया प्लीज बोलना सीखो, यहाँ पर प्लीज बोलो क्या आएगा? प्लस माइनस 5, मतलब एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 5, और एक्स का वैल्यू क्या आएगा? -5. ये क्लियर हो गया? Yes और नो. मैं यहाँ पर दो वैल्यू बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सबर रखो, पहले तुम लोगों ये अच्छे से कॉपी कर लो और थोड़ा रुको, थोड़ा पानी पियो और बताओ यहाँ पर क्या क्या समझा, क्या क्या नहीं समझा, प्लीज. सो गाइस चलो अभी देखते हैं यहाँ पर क्या बात होने वाला है. अगर मैं देखो सेम ये साइड का रफ किया, ये साइड का रफ नहीं किया, ताकि तुम लोगों को मालूम पड़े. देखो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर सेम एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू वॉट 0, अब आंसर दे रहा हूँ तुम्हारे क्वेश्चन का, नीड ऑफ वॉट, क्या बात करो, नीड ऑफ इमेजिनरी नंबर. सर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बोला, नहीं मतलब और एक नंबर सीखना पड़ेगा, यस तुम लोग को सीखना पड़ेगा, अगर ये नहीं आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा. सर इतना मगजमारी क्यों, दूसरे चैनल पे हम लोग को 5-10 मिनट में मिल जाता है. अरे कंटेंट भी मैच करना ना, थोड़ा कंटेंट भी मैच कर ही लेना, ठीक है? चलो यहाँ पर मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं, अपना अपना स्टाइल है, तुम लोग को डिटेल में सिखाना चाहता हूँ, इसलिए तो यूट्यूब पे आ गया मैं. यहाँ पर एक्स स्क्वायर -9 इक्वल टू और 0, ये सेम टू सेम तो लिखा, अब मैं इधर क्या लिख दिया, प्लस. क्या लिखा मैंने? प्लस. अब देखते हैं सर सेम अप्रोच ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट +9 उससे आएगा तो क्या आएगा? -9. सेम डायलॉग लिखो, टेकिंग वॉट स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखोगे सर? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, ठीक है ऑन बोथ द साइड. ये तुम लोग समझो यार, इतना मत लिखो सर, से इतना मेहनत मत करो यार. यहाँ पर एक्स लिखेंगे आगे, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर -9,
प्लीज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस साइन क्या होता है सोच के बताना जरा, प्लीज सोच के बताओ क्या थ्री? अरे पगला गए हो, थ्री बोलेगा तो देखो यहाँ पर कोई बच्चा बोलता सर थ्री बोलो, अच्छा थ्री लिया तो थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई करेगा तो नाइन आता है, भाई मेरे को माइनस नाइन की जरूरत है, इधर देख कैसा थ्री को पकड़ा था तो थ्री इंटू थ्री नाइन, टोपी के अंदर वाला, वो टोपी के अंदर मतलब स्क्वायर रूट वाला, तो यहाँ पर माइनस नाइन, सर माइनस थ्री पकड़ो ना, माइनस थ्री ले ले तेरी बात भी मान लेता हूँ, क्या आएगा नाइन, वापस नाइन आ रहा है सर, एक प्लस थ्री माइनस, ए तेरे को ये परमिशन दिया ही नहीं मैंने, ये परमिशन दिया नहीं, एक थ्री और एक माइनस थ्री, वो तो उस टाइम में तो आ जाएगा, लेकिन मैंने तेरे को पहले अलाउ कर दिया कि जो नंबर को पकड़ेगा उसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, समझा ये चीज, तो इसका मतलब सर ये भी नहीं आएगा, अरे सर जी तब करूंगा क्या, तब होगा क्या वो तो बताओ, क्योंकि यहां पर तो हम लोग को बहुत टेंशन आ रहा है, आपने बोला थ्री पकड़ तो थ्री को थ्री से मल्टीप्लाई किया तो नाइन, मुझे चाहिए माइनस नाइन, सर आपने बोला माइनस थ्री पकड़ माइनस थ्री को माइनस थ्री से पकड़ा तो आएगा नाइन, सर मुझे तो माइनस नाइन चाहिए, सर थ्री और माइनस थ्री का मैं पकड़ सकता हूं लेकिन आप परमिशन दे रहे नहीं हो तो करूं क्या सर, अरे इसलिए तो मोहब्बत से देख आंसर ला रहा हूं, देख यहां पर एक्स लिखने का ये प्लस माइनस एज इट इज, प्लीज यहां पर इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं नाइन इंटू माइनस वन, कुछ मीनिंग चेंज हुआ सर, मतलब आप माइनस ट्वेंटी फाइव को क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ ट्वेंटी फाइव इंटू माइनस वन, यस और नो बोलो, यहाँ पर ही देखते हैं ऐसा लिख सकता हूँ यस और नो, तो इसका ब्रेकअप करा दो सर कैसा, ट्वेंटी फाइव और ये आ गया अंडर रूट माइनस वन, अच्छा ट्वेंटी फाइव का क्या होता है स्क्वायर रूट फाइव, और इसका नहीं मालूम पड़ा तो आता है पिक्चर में आई, बोलते आई, आई मीन्स आयोटा, हंसा बहुत सही किया, मैं भी फर्स्ट टाइम आई सुना था आयोटा तो मेरे को हंसी आ रहा था, लेकिन आज मेरे लाइफ में यही रोल प्ले कर रहा है, ठीक है सर एक और देते, एक और एक और एक और, चलो 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 स्क्वायर रूट ऑफ माइनस सिक्सटीन, सर क्या मैं ट्राई करूँ, हाँ ट्राई करो, सिक्सटीन लिखोगे इंटू माइनस वन, आगे बोलो हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे ट्राई कर अंडर रूट सिक्सटीन और यहाँ पर अंडर रूट में माइनस वन और इसका आएगा फोर और इसका क्या होता है आई, वाओ सर मतलब सर समझ गया, जो आप ये देखो अभी आप यहाँ पर कुछ भी बोलोगे तो सिर्फ आई तो चिपकाना रहता है, यस उसी को तो इमेजिनरी बोल रहा हूँ, मतलब अगर मैं बोलता हूँ अंडर रूट में ये देखो एक माइनस पच्चीस हो गया माइनस, चलो एकदम प्यारा वाला जो अपने पास है सर, इसको क्या लिखोगे नाइन इंटू माइनस वन, क्या लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ नाइन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, इसका क्या आता है गाइस, बोलो यार चिल्ला के बोल, पढ़ रहा है तू अपने लिए पढ़ रहा है, चल बोल स्क्वायर रूट ऑफ नाइन थ्री, ग्रेट, इसका क्या आएगा आई, क्या बात है सर, सर एक और प्लीज, खेलने में मजा आता है ये सब चीज सीखने में मजा आ रहा है, चलो बोलो इसका क्या कहा फोर्थ वाला, चलो चलो यहाँ पर, अरे मैं बैठा हूँ लेकिन तुम लोग यहाँ पर, अगर मैं ये पूछता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, यहाँ पर अगर मैं माइनस इलेवन बोलता हूँ तो क्या करोगे सर, इसका क्या करेंगे हम लोग मालूम है आपको, देखो स्क्वायर रूट में इलेवन इंटू माइनस वन लिखेंगे, यस स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इलेवन और इसका स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन, सर इसका हम लोग को आता नहीं, अरे तेरे को नहीं आता तो मत लिख, तेरे को किसका आता मालूम है, स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटीन बोलेगा तो तुम लोग फोर बोलते हो, स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव बोलूंगा तो तुम लोग फाइव बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ थर्टी सिक्स बोलूंगा तो सिक्स बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन बोला तो सेवन बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ सिक्सटी फोर बोला तो तुम लोग एट बोलोगे, स्क्वायर रूट ऑफ एट्टी वन बोला तो तुम लोग नाइन बोलोगे, बट अगर मैंने किसी से भी पूछ लिया स्क्वायर रूट ऑफ एट्टी फाइव तो उसका परफेक्ट निकालना बहुत मुश्किल होता है, नहीं आता तो ऐसे छोड़ा, जैसे पाँच ग्यारह का नहीं आता तो मैंने ऐसे छोड़ा, अरे छोड़ना मेरे को तो इससे लेना देना ना आई, ये समझ गया, तो कब इमेजिनरी नंबर आता है जब स्क्वायर रूट के अंदर माइनस होता है, ये क्लियर हो गया, देखो यहां पर ये क्लियर हो गया, तो इसका आंसर क्या है अभी तो डायरेक्टली बोलो प्लस माइनस, इसका क्या थ्री और इसका आएगा आई, ये समझा कैसे लिखा, ये देखो इधर दिखता है, अब सर सॉर्टेड है सर, आप लाइफ का कुछ भी एग्जाम्पल देते हो, जैसे देखो लाइफ में कुछ भी एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन है ना, ये क्या लिखा एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटीन इक्वल टू जीरो, तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्सटीन, यहाँ पर क्या लिखते बोलो, अच्छा माइनस नहीं है ये प्लस, हाँ तो ये प्लस, तो यहाँ पर क्या लिखोगे माइनस सिक्सटीन, यहाँ पर बोलो सबको स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट अंडर रूट में माइनस सिक्सटीन और इसका क्या लिखोगे सिक्सटीन इंटू माइनस वन, मतलब क्या हो गया ये, इसको ब्रेकअप करा दो, इसको ब्रेकअप करा दो, ये हो गया फोर और ये हो गया आई, ग्रेट सर जी क्या मजा आ गया, मजा आया या नहीं बोल बोल, ग्रेट, अच्छा ये क्लियर हो गया, तो यहाँ पर देखो नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना, नोट्स एकदम प्रॉपर बनाना, अब मैं ये साइड का रब करता हूँ और देखते हैं यहाँ पर, ट्राई करते हैं यहाँ पर, देखते हैं कुछ होगा क्या नहीं होगा, यहाँ पर देखते हैं, चलो अभी देखो यहाँ पर, अब अगर मैं तुम लोग से डायरेक्टली, चलो डायरेक्टली निकालने का ट्राई करेंगे, डायरेक्टली कब आता है इमेजिनरी, जब स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होता, लिख पहले लिख हिंदी में, हिंदी मराठी जो तेरे को लगता हो, महाराष्ट्र बोले तो मतलब मराठी आता है तुम लोगों को बरोबर है, और मुंबई में तो लोकल लैंग्वेज आता है टपोरी लैंग्वेज अपने जैसा, चलो यहाँ पर डायरेक्टली लिखेंगे, मतलब क्या जब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आता है, व्हेनेवर क्या लिखेंगे, व्हेनेवर नेगेटिव साइन कम अंडर स्क्वायर रूट देन इमेजिनरी नंबर
इमेजिनरी नंबर कम इनटू पिक्चर, पिक्चर में आ जाता है भाई। अच्छा, जहां पर आई स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन को हम लोग क्या बोलते हैं, आई। आई मतलब क्या होता है, आयोटा। समझ रहा है, आई मतलब क्या होता है, आयोटा। चलो डायरेक्टली बोलना सीखो। अगर मैं बोलता हूँ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 36 तो क्या, चलो क्या लिखोगे, अंडर रूट माइनस 36 को बोलो। हाँ सर, 36 लिखेंगे इनटू व्हाट, माइनस 1। ये डायरेक्टली बोलो यार, 36 का मालूम है तुम लोगों को, हाँ क्या होता है 6 ना, आगे माइनस आए तो आगे आई लिखोगे। बोलो समझाइए अच्छे। चलो आगे, अगर मैं बोलता हूँ स्क्वायर रूट में व्हाट 49 बोलता हूँ, चलो बोलो इसका आंसर क्या आएगा। अच्छा माइनस, अगर मैं सिर्फ 49 बोलता तो तुम लोग 7 बोलोगे। अच्छा अभी इस वक्त क्या बोलोगे, बोलो इसका इस वक्त क्या बोलोगे। सर इसके आगे मैं बोलूंगा 49 का क्या होता है 7, और यहाँ आता है आई। सर एक बात, आप तो आगे इधर प्लस माइनस लिख रहे थे, प्लस माइनस लिखने का एक ही नोटिस है, ध्यान से समझना जो बोलता हूँ, ध्यान से। बच्चे अच्छे अच्छे लोगों को नहीं पता होता है चीज़, मैं जो ऐसा बोल रहा हूँ। देखो यहाँ पर आगे बताता हूँ, रुको, यहाँ पर मैं सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, तुम लोग चाहो तो नेगेटिव भी ले सकते हो। लिया क्यों नहीं मैं बताता हूँ, जैसे देखो ना यार, ये कैसा यहाँ पर क्या आ रहा था, अच्छा माइनस, जब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, जैसे ये देखो प्लस माइनस आया, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ पॉजिटिव वाला ले रहा हूँ, समझ रहे तुम लोग को। चलो ये बताओ, अंडर रूट में व्हाट, अगर मैं माइनस 64 बोलता तो तुम लोग को 64 का स्क्वायर रूट आता, हाँ सर 8 आता है, 8 ना, हाँ, लेकिन आगे आएगा आई। आया कैसे मालूम पड़ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 64 को 64 इनटू माइनस 1, ये 64 का 8, और स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 को तुम लोग ने क्या बोला, आई। ये क्लियर है तुम लोग को, यस और नो। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ, चलो 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 एवरीवन प्लीज, हाँ 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 बोलो बोलो, 7 का स्क्वायर रूट आता है क्या, नहीं तो उसको एज इट इज लिखेंगे, और ये माइनस 1 का क्या सीन है, आई। ये क्लियर हो गया तुम लोग को, यस और नो यार, यस और नो, बोलो 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 बोलो, समझ गया तुम लोग को, यस और नो। तुम लोग को मैंने इरेशनल सिखाया था ना, देखो जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, जिसका स्क्वायर रूट निकलता है वो भी रैशनल होता है, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता उसको इरेशनल। जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो अपन ने देखो पाई लिखा था, देखो नोट्स में देखो पाई लिखा है और एक ई लिखा है, बराबर है ये चीज, एक पाई लिखा है और एक ई लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ देखो, अगर तुम लोग यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ अगर मैं 4 बोलता तुम लोग बोलोगे 2, ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर मतलब जहां पर सिर्फ डेसिमल पॉइंट दिखता है, देखो दिख गया रैशनल नंबर, और एक बोलता जहां पर रुकता है या तो चलते जाता है, देखो रुक गया चलते जाएगा तो अपने आप को रिपीट करना चाहिए। अच्छा स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लीज कैलकुलेटर में देखो, कैलकुलेटर में यहाँ पर कुछ तो आएगा तुम लोगों को, जैसे कि यहाँ पर आना चाहिए 2 point something आएगा, 2 point something आने वाला है इसका, 2 point जो भी आएगा ना नंबर कोई रिपीट नहीं होगा, और चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, ये रुकेगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं और अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा। तो जो जो इसका जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता, समझ रहा है, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो उसको हम लोग इरेशनल बोलते हैं, ये भी लिख लो उधर, ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन ये क्योंकि 8वीं 9वीं का मैथ्स है, मेरा टॉपिक कुछ और है, ये क्लियर हो गया। अच्छा आगे बोलो, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, अगर मैं बात करता हूँ माइनस 10 तो क्या लिखोगे, सर स्क्वायर रूट ऑफ 10 लिखोगे और आगे आई लिखोगे। सर इतना बात तो हम लोग को समझ गया इमेजिनरी क्या होता है, प्लीज एक बार नोट्स को गो थ्रू करो, वीडियो को पॉज करो, ऐसा ना हो जाए कि तुम लोग सिर्फ देखते जा रहे हो पिक्चर ऐसा फिल करते जा रहे हो, नहीं नहीं पूरा सिस्टमैटिक सिखा रहा हूँ, वही पैटर्न तुम लोग को आना चाहिए, प्लीज एक बार कॉपी करो और स्टॉप करो वीडियो को। सो गाइस नाउ इट्स द टाइम फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर पिक्चर में, बस जरा से बात है कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आ रहा है, तुम लोगों को दुनिया भर का नंबर सिखाया है। जैसे कि देखो अगर तुम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अच्छा फॉर्मूला मेथड क्या होता है, देखो मैं थोड़ा लिख देता हूँ ताकि तुम लोगों को रिकॉलिंग हो जाए। फॉर्मूला मेथड 10th स्टैंडर्ड में सीखा था, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहता है उसको एक्स का वैल्यू निकालना है तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, हाँ बोलो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में और 2 है। अरे तुम लोग 11th में मतलब ये तो मालूम ही रहेगा, सबको ही पता रहता है, बरोबर। चलो यहाँ पर देखते हैं, एक मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूँ और मुझे पता ना क्या होता है, हाँ क्या, या फिर देखो अभी जैसे कि सर यही तो दिया था आपने एक्स स्क्वायर प्लस 9, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है गाइस। सर कैसे मालूम पड़ा आपको, अरे जहां पर x का पावर 2 दिखता है ना, हाईएस्ट पावर 2, उसी को क्वाड्रेटिक, देख इधर x का पावर क्या है 2, तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको इसके हिसाब से सॉल्व करने का ट्राई करना, मैं जो बोल रहा हूँ प्लीज एक बार ट्राई करो उसके बाद मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, चलो ये a का वैल्यू क्या, कंपेयरिंग किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू और 0। ए का वैल्यू क्या, ए इज इक्वल टू और मैं लिख रहा हूँ ऐसा, ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ दिख रहा है यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1। आगे बोलो बी मतलब बी तो है ही नहीं सर, बी तो है नहीं। सी का वैल्यू क्या आएगा, सी का वैल्यू चलो 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 बोलो सी का वैल्यू क्या आएगा, जो कांस्टेंट होता है उसी को बोलते हैं। अच्छा भाई फॉर्मूला मेथड में यहाँ पर एक्स का वैल्यू लिखने का ट्राई करता हूँ, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस बी का वैल्यू 0 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर बी का वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर माइनस 4 ए। आगे बोलो आगे क्या आएगा, सी। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको,
अपॉन में बोलो क्या आएगा, अपॉन में सबके सब प्लीज बोलना सीखो यहाँ पर, अपॉन में क्या आएगा, टू और ए, ए क्या है हो गया, ए क्या है वन, किसी को तकलीफ है नहीं सर, ओके। एक्स इज इक्वल टू वॉट, ये माइनस जीरो मत लिखो, प्लस माइनस बोलो, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस फोर नाइन जा 36 और इधर का माइनस माइनस 36 अपॉन में वॉट टू, क्या याद आ रहा है कुछ चीजें, बोलो क्या याद आ गया सर, एक्स इज इक्वल टू वॉट प्लस माइनस, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 36 क्या होता है, बोलो बोलो बोलो, 6i, बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा आंसर, 2, ये समझ गया तुम लोगों को, आया ना, ये देखो मतलब ये प्लस माइनस बाहर है और ये क्या आ गया 6i, नीचे का 2 ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, ये 6i कैसा है याद आ रहा है तुम लोगों को, 2 1 2 3, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i, ये तो हम लोगों ने डायरेक्टली निकाला था, याद आ रहा क्या तुम लोगों को, याद आया, अरे बोल बोल प्यार से, नोट्स देख जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 को अपन ने निकाला था, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3i बरोबर है, याद है, याद है या भूल गए, चलो ग्रेट सर, यहाँ पर मतलब x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू क्या आया 3i और x का वैल्यू क्या आया 3i मतलब माइनस 3i बरोबर है, यहाँ पर माइनस 3i ठीक है। अच्छा ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, नहीं, ये क्या है, इधर तुम लोगों को दिखता है आई दिख रहा है, आई दिख रहा है तो इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, ठीक है सर। दूसरा और एक देता हूँ, और एक देता हूँ यहाँ पर, और एक ट्राई करने का बोलता हूँ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक है, मुझे मालूम है तुम लोग फैक्टराइजेशन से बहुत अच्छा आंसर देते हो, मेरे को इसी मैटर से चाहिए ताकि मैं फैमिलियर हो जाऊँ, ये a का वैल्यू क्या, चलो डायरेक्टली बोलो, एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या है 1, बी एक्स के साथ वाला कौन है माइनस 4, सी कॉन्स्टेंट कौन है माइनस 5, चलो एक्स इज इक्वल टू वॉट क्या आएगा बोलो माइनस बी, बी का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू क्या, बी का वैल्यू क्या है माइनस 4, ग्रेट, आगे बोलो सर, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर बी का स्क्वायर, बी क्या है माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4ac बरोबर है गाइस, यस और नो बोलना, यस और नो बोलो यार, अपॉन में वॉट 2a का वैल्यू 1, बहुत सही आंसर है सर। आगे बोलो एक्स इज इक्वल टू वॉट, एक्स इज इक्वल टू ये माइनस माइनस हो गया 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर, चलो डायरेक्टली बोलो माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, 4 4 16, और ये क्या रहा माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, अपॉन में क्या है 2, एक्स इज इक्वल टू वॉट 4 प्लस माइनस, इसका बोलो कैसे करेंगे, इसका बोलो चलो यहाँ पर 20 प्लस 16 कितना होता है 36, अच्छा 36 है गाइस, एक चीज समझना, माइनस 36 नहीं है, 36 है, तो यहाँ पर क्या x इज इक्वल टू वॉट 4 प्लस माइनस 36 का 6 अपॉन वॉट 2, इसका मतलब x का दो वैल्यू आ रहा है, कौन कौन सा सर, x का दो वैल्यू क्या है, एक x इज इक्वल टू वॉट जब इधर प्लस रहेगा बरोबर है, और एक x का वैल्यू क्या रहेगा एक बार इधर माइनस रहेगा, तो x का वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 प्लस 6, 10 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या आया 5, और एक बार 4 माइनस 6 इतना होता है माइनस 2 बाई 2, कितना है x का वैल्यू माइनस 1, ये समझा तुम लोग को, यस और नो, x का वैल्यू क्या है 5, प्लीज इसमें और इसमें डिफरेंस देखो, इधर जो दोनों नंबर है वो इमेजिनरी नंबर आया और इधर दोनों जो नंबर है उसमें इमेजिनरी नहीं है, मतलब रियल नंबर है, रियल समझता है बोल हाँ या ना, रियल मतलब क्या होता है देख, दोनों यहाँ पर आई नहीं आया ना, आई आया क्या पिक्चर में, नहीं, यहाँ पर आई आया, यस, ये समझा, तो जब सिर्फ आई दिखता है आंसर में, रियल दिखा क्या, रियल दिखा क्या, रियल मतलब रियल तो है ही नहीं इसमें, तो यहाँ पर और इधर दिख रहा है सिर्फ रियल दिख रहा है, तो सर क्या बोलना चाहते हो, एक और सम जो तुम लोग को पूरा दिमाग में खोल देगा कि यार पिक्चर में आया क्यों, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ एक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसी में सीख लो, महाराष्ट्र बोर्ड में ही तुम लोग एंट्रेंस सीख लो, सीईटी हो गया, जेईई हो गया, जो भी होगा तुम लोग इधर से फिल लो, यही नोट्स काम आने वाला है तुम लोग को, चलो जो दे रहा हूँ यहाँ पर समझना। तीसरा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू और 0, रेडी एवरीवन, प्लीज यस और नो बोलना है, यस और नो, चलो हियर ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू क्या है, ए का वैल्यू सर 1, बी का वैल्यू भी सर 1, सी का वैल्यू भी 1, चलो क्या आएगा x इज इक्वल टू व्हाट, क्या फॉर्मूला है, माइनस बी मतलब माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आएगा बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 ए सी अपॉन व्हाट 2a मतलब 2 1 जा, बोलो हाँ या ना, चल आगे बात कर भाई, x इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1 प्लस माइनस इसका होल स्क्वायर रूट के अंदर 1, ये माइनस 4 अपॉन वॉट 2, यहाँ पर x इज इक्वल टू वॉट माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट में क्या आया माइनस 3 अपॉन में क्या आया 2, अब भाई प्यार से बोल, दिल से बोल जो मैं बोलना चाहता हूँ, क्या बोलना चाहते हो सर, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर माइनस 3 आया, अरे भाई मेरे और बहन मेरी ध्यान से सुन, माइनस 3 का है, इसको सॉल्व करना आता है, 3 का स्क्वायर रूट आता है नहीं, तो ऐसे लिखने का और स्क्वायर रूट के अंदर अगर माइनस दिखा तो आई चिपकाने का, बोल हाँ या ना, ये समझा, तो इसका आंसर क्या है x इज इक्वल टू वॉट माइनस 1 प्लस माइनस, इसका आंसर क्या आया अंडर रूट
थ्री आई अपॉन में वॉट टू, मतलब यहां पर भी x की दो वैल्यू आई, क्या क्या आई बताओ यहां पर, एक x इज इक्वल टू वॉट माइनस वन प्लस जब रहेगा रूट थ्री आई अपॉन में वॉट टू, दिख रहा है यहां पर, और एक बार x का वैल्यू क्या है यहां पर माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन में वॉट टू, ये समझा तुम लोगों को, तो यहां पर इसका ब्रेकअप करा दे सर, x इज इक्वल टू टू क्या सबके पास जाता है, देखो एक चीज दिमाग में रख लो, क्या सर अगर मैं लिखता हूं x प्लस थ्री अपॉन में वॉट फोर, तो इसका मतलब x बाय फोर प्लस थ्री बाय फोर, ये चार इसके पास भी जाता है, ये चार इसके पास भी जाता है, सर वापस बोलो कितना मजा आता है ऐसा सीखने में, फोर ये चार इसके पास भी जाएगा और माइनस ये चार इसके पास भी जाएगा, दिमाग में रख लेने का, क्योंकि टेंथ थे और तुम लोग को कोरोना की दया से तुम लोग थोड़ा पास हो गया, मैथ्स का तो पेपर ही नहीं हुआ ना भाई, समझ रहे पेपर होता तो शायद आधा विकेट गिर जाता, ठीक है यहाँ पर ये क्लियर होना चाहिए, तो सर आप यही बोलना चाहते हो ना, ये टू इसके पास भी जाएगा, ये टू इसके पास भी जाएगा, हाँ प्लस रूट थ्री आई अपॉन में वॉट टू, ये समझ रहा तुम लोगों को, और यहाँ पर क्या मिला x इज इक्वल टू वॉट माइनस वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री बाय टू आई, ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, येस और नो, मतलब सर क्या बोलना चाहते हो, सर मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ, मोहब्बत से आंसर सुनना जो बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात बोलूंगा, बहुत अच्छी बात बोलूंगा, तुम लोग को अगर दो चीज दिखता है, एक टू दिखता है और एक थ्री आई दिखता है, तो मुझे सिर्फ ये बता इसमें रियल कौन सा और इमेजिनरी कौन सा है, इमेजिनरी मतलब जो आई के साथ चिपकता है और रियल मतलब जिसमें आई नहीं दिखता है, तो यहां पर सर इसको क्या बोलूंगा, रियल पार्ट, क्या बोलने का इसको, रियल पार्ट, और इसको क्या बोलने का, इमेजिनरी या रियल नंबर बोलने का, क्या बोलने का, रियल नंबर, इसको क्या बोलने का, इमेजिनरी नंबर, ये क्लियर हो गया सबको, यस और नो, यस और नो, आज के बाद नंबर नहीं बोलेंगे, जब दो चीज साथ में आता है रियल और इमेजिनरी, क्या यहां पर दोनों चीज साथ में आया था, क्या नहीं, यहां पर दोनों के दोनों, इसका ही देख सिर्फ, इधर सिर्फ आई दिख रहा है और इधर भी सिर्फ आई दिख रहा है, यहां पर सिर्फ रियल दिख रहा है और यहां पर भी सिर्फ रियल दिख रहा है, और एक ऐसा केस आ गया जहां पर रियल भी दिखता है और इमेजिनरी में दिखता है, उसी को बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या बात है यार, क्या बोल रहे हो सर, कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, नहीं सर ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, ये नहीं है, नहीं ये है, यस, जहां पर रियल और इमेजिनरी साथ में दिखता है तो उसी को बोलने का कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी पिक्चर में बताऊंगा ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, सर अभी क्या बोले, थोड़ा सबर रखना, फ्लो फ्लो में मैं बात करूंगा, धीरे धीरे रुक, यहां पर सर इसका मतलब जो भी आंसर आया ना जहां पर रियल और इमेजिनरी, देखो नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता है, कैपिटल एन, होल नंबर का सिंबल क्या होता है, डब्ल्यू, बरोबर है, रियल नंबर का सिंबल क्या होता है, आर, और रैशनल नंबर का क्यू होता है, क्या रैशनल नंबर का आर नहीं क्यू, क्यू होता है, और इंटीजर्स का आई होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग बोलेंगे जेड, ये समझा तुम लोगों को, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब सर फील आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन होता है जेड, पहला क्यों नहीं बताया, पहला बताता तो मजा नहीं आता रे, पहला बताता तो मजा नहीं आता, समझ रहा तुम लोगों को, रियल और इमेजिनरी मतलब सर जो हम लोग को मिला आंसर, देखो क्या मिला, एक माइनस वन बाय टू प्लस रूट थ्री बाय टू और आगे क्या लिखा आई, आगे बोलो और क्या मिला मेरे को, x है लेकिन मैं z बोल रहा हूं, यहां पर z क्या लिखा है, माइनस वन बाय टू, आगे क्या है, माइनस रूट थ्री बाय टू, यहां पर आई, देखो ये लिखना लिखना अपना स्टाइल होता है, दिख रहा सबको ये चीज, तो यहां पर बोलो अभी क्या मैं बात करने वाला हूं, रियल और इमेजिनरी, इसको बोलते हैं रियल पार्ट, क्या बोलते हैं इसको, रियल पार्ट, किसका रियल पार्ट, z का रियल पार्ट, ऑफ व्हाट, z, इसको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, किसका इमेजिनरी पार्ट है ये, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये समझा तुम लोग को, यस और नो, यस और नो बोलना यार, इसका मतलब सर जहां पर रियल और इमेजिनरी साथ में आता है उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, क्लियर हुआ, अरे बोल बोल, समझा या नहीं समझा, इसका मतलब यहां पर देखो, यहां पर सिर्फ इमेजिनरी नंबर है, यहां पर सिर्फ रियल नंबर है, एक ऐसा केस भी आ सकता है लाइफ में जहां पर रियल और इमेजिनरी दोनों होगा, तो मतलब सर प्लीज इसको कॉपी करो, मैं कुछ चीजें बताता हूं, जैसा दिखता है वैसा कॉपी करो, चलो चलो गाइस, इतना तो तुम लोग को समझ ही गया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, सर वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया, अरे कंटेंट भी तो देख यार, क्या सिखा रहा हो तो समझ प्लीज, थोड़ा नोटिस करो, हाँ मैं एक चीज एग्री करता हूँ कि मेरे वीडियो का लेंथ देना थोड़ा बड़ा रहेगा, 40 मिनट 50 मिनट का वीडियो, कभी आधा घंटा सबसे कम मानता हूँ मैं, और कंटेंट है तो यार मजा भी आना चाहिए, और बोर हुआ तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना, सर बोर हो गया लेक्चर में, ठीक है यहाँ पर, ओके यहाँ पर अभी क्या समझा, कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे मैंने क्या लिख दिया, जेड, अगर किसी ने बोला जेड इज इक्वल टू टू प्लस 3i, तो मैं जो पूछ रहा हूँ इसमें से रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, टू, इमेजिनरी पार्ट मतलब जो i के साथ चिपका रहेगा, वर्ड का ध्यान देना जो बोला, i के साथ मतलब यहां पर देखो इसको क्या लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ z, तो देखो मैं लिखता कैसे, रियल पार्ट ऑफ z, ये समझा क्या लिखने का, टू, इमेजिनरी पार्ट को कैसे लिखूंगा, इमेजिनरी आई एम, पूरा नहीं लिखने का, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, i के साथ जो चिपका हुआ 3, ये समझा सर, नहीं समझा, रुक ना तेरे लिए एग्जांपल देख ना, बोर्ड क्लियर किया हो तेरे लिए, यहां पर
3i। चल यहां पर सोच और मुझे बता रियल पार्ट क्या है। रियल पार्ट ऑफ z जो जिसके पास i नहीं होता क्या है 2। अच्छा इमेजिनरी पार्ट क्या दिख रहा है जिसके साथ i के साथ कौन चिपका हुआ है -3। i के साथ -3 आ गया तो -3। ये समझा तुम लोग को? यस और नो? चलो आगे बोलो। अगर मैं बात करता हूं z is equal to what -2 -4i तो रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट बोल। रियल पार्ट मतलब जो जिसके पास आई नहीं होता कौन है? देख आई, ये देख -2। इमेजिनरी पार्ट कौन है? देख इमेजिनरी पार्ट मतलब जो आई के साथ चिपका होता है उसको बोलते हैं -4, मतलब -4 चिपका है। ओके आगे बोल लो सर। अगर मैं बात करता हूं यहां पर जेड इज इक्वल टू वॉट, जेड क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये पूरा का पूरा क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये क्लियर होता है सबको? यस और नो? यहां पर सबके सब प्लीज जो मैं बात करना हो -4 + 7i। रियल पार्ट बोलो। रियल पार्ट जेड क्या है? -4। इमेजिनरी पार्ट बोलो। इमेजिनरी पार्ट क्या है? 7। ये दिख रहा है तुम लोग को? अच्छा इसका आंसर देना। देख लो स्मार्ट लोग ही आंसर दे पाएंगे। प्लीज नोट, स्मार्ट लोग ही आंसर दे पाएंगे। जेड इज इक्वल टू वॉट जो मैं बोलना चाहता हूँ 6 - √30। यहाँ पर √-36। चलो बोलो सर कहाँ है आई नहीं दिख रहा? अरे तेरे ध्यान से देख, आई दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है सर? अरे देख प्यार से। दिखा नहीं? दिखा स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव दिखा क्या? अरे दिख गया सर, दिख गया। जेड इज इक्वल टू वॉट 6। इसको ये वाला माइनस को टच नहीं करने का। √-36 को कैसे लिखते हैं हम लोग? याद करो √-36 को सर 36 का आता है मेरे को 6 और स्क्वायर रूट के अंदर आई है तो ये देख माइनस है तो आई तो इसका मतलब ये 6 आई है। अरे सर जी क्या छुपा के आंसर दिखाते हो आप? यहाँ पर इमेजिनरी ऑफ वॉट क्या आएगा? आई के साथ -6। ये समझा? बोल हाँ या ना मोहब्बत से बोलने का। यहाँ पर बोल जेड इज इक्वल टू वॉट, मैंने बोला 2 - -5। दिख रहा है? अरे दिखा हाँ दिखा ना सर। देखो 2 ये माइनस का माइनस, चलो इधर प्लस लिखता हूँ, प्लस का प्लस। इसका सीन क्या है सर? इसका सीन होता है फाइव का नहीं आता। अरे मत लिख बोल। और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस दिखा तो आई। बोल रियल पार्ट क्या है? रियल पार्ट क्या है बोल प्यार से? 2। और इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी पार्ट क्या है? आई के साथ जो चिपका हुआ है √-5, मतलब √5। ये क्लियर हो गया? नाउ 6 जो मैं बात करूंगा यहां पर देखना, जेड इज इक्वल टू वॉट क्या बात कर रहा हूं? 2। अरे कुछ भी सर, आप क्या बोलना चाहते हो ये तो क्लियर कर दो। जेड इज इक्वल टू 2। अरे दिख रहा ना यार? नहीं दिख रहा तेरे को? इमेजिनरी देख, डेट इज करके लिखता हूं प्यार से, जेड इज इक्वल टू 2 + 0i। ओ मतलब क्या बोल रहे हो? 2 में तो आई था नहीं और आपने बोला जहां पर रियल और इमेजिनरी साथ में दिखा उसी को कॉम्प्लेक्स नंबर बोलने का, तो 2 के पास तो आई था नहीं। अरे नहीं है, अभी भी मैं बोल रहा हूं, लेकिन क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 0i? हाँ या ना बोल, कुछ मीनिंग चेंज हुआ? तो रियल पार्ट क्या हुआ? रियल पार्ट बोल, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 2। इमेजिनरी पार्ट बोल, इमेजिनरी पार्ट के आई के साथ जो चिपका हुआ 0। वाह, ये तो रियल नंबर है ना सर? हाँ ये रियल नंबर है। क्या रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं? यस। नहीं समझा? रुक प्यार से, -3 सर आई नहीं दिख रहा है। अरे दिख रहा है तेरे को? देख जेड इज इक्वल टू वॉट -3 + 0i। दिख रहा है? रियल पार्ट बोल -3, इमेजिनरी पार्ट बोल इमेजिनरी पार्ट, आई के साथ 0। अरे ग्रेट सर, इसका मतलब सर अभी तो अभी देखो हम लोग कैसा आंसर देंगे, आपको मालूम नहीं लेकिन अभी हम लोग स्मार्ट बन गए थोड़ा। ये 40-50 मिनट का वीडियो देख के कॉम्प्लेक्स नंबर से प्यार होने वाला है सर। अगर प्यार हुआ तो बोलना हाँ, नहीं हुआ तो बोलना सर नहीं चलेगा। बोल हाँ या ना? चलो जेड इज इक्वल टू वन, मैंने लिखा 2i। सर एक बात बताता हूँ, रियल नहीं दिख रहा है। अरे कैसे दिखेगा? तू देख तो तेरे प्यारे प्यारे नैनों से। 0, जेड इज इक्वल टू 0 + 2i। रियल क्या दिख रहा है? रियल इज वॉट 0। इमेजिनरी क्या दिख रहा है बोल चिल्ला के? आई के साथ 2। अरे बोल हाँ या ना? एक और ले ले यार मोहब्बत से आंसर ले ले, -3i। बोल इसको डेट इज करके तू लिखेगा जेड इज इक्वल टू 0, ये वाला -3i दिख रहा है यहाँ पर। तो रियल पार्ट क्या आएगा? बोल बच्चन। इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है? आई के साथ है -3। अब कमेंट ले लो जो मैं बोलने वाला हूँ एक्चुअल में इमेजिनरी नंबर छोड़ो, जो मैं बात करने वाला हूँ ध्यान से सुनना, कान लगा के सुन रहा है। यहाँ पर ये क्या था? ये तो रियल नंबर है सर, आपने बोला था रियल नंबर मतलब जिसके पास आई नहीं होता है। हाँ इसके पास आई नहीं है, इधर क्या लिख रहा हूं? इसके पास भी आई नहीं है, ये तो रियल नंबर हो गया। यस देखो हियर इन क्या इन 7 and 8। इमेजिनरी पार्ट क्या है? इमेजिनरी समझता है? इमेजिनरी ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इट इज कॉल्ड इसको हम लोग प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं, प्योरली रियल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? प्योरली रियल नंबर। यस, जहां पर इमेजिनरी आई होता ही नहीं उसी को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं।
मतलब इसके पहले जो मैं भाषण दिया था थोड़ा, रियल नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रैशनल, इरैशनल, उसमें आई लिखा था क्या? नहीं, तो उसी का मतलब रियल नंबर, जहां पर आई नहीं दिखता है उसको हम लोग रियल बोलने का, प्लीज प्योरली रियल बोलो। जहां पर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, यहां पर क्या आएगा बोलो, यहां पर क्या आएगा, यहां पर इन नाइन्थ एंड टेंथ रियल पार्ट क्या है, रियल पार्ट क्या है, जीरो, रियल पार्ट क्या है, जीरो। सो इट इज कॉल्ड एज, इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली, स्पेलिंग ध्यान से समझना, प्योरली आ गया, पी यू क्या होता है भाई, आर ई एल वाई, हाँ इमेजिनरी नंबर, ये क्लियर हो गया। मतलब सर आप ये बोलना चाहते हो दुनिया का कोई भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है? यस, सबका बाप एक कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल नंबर था पहले, अरे रियल नंबर के अंदर ही सब आते हैं भाई, रियल नंबर किसके अंडर आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो क्या ये रियल नंबर है, जेड इज इक्वल टू टू, यस, कैसा, अरे हाँ देखो इसका टू तो नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर है, दुनिया भर का जो भी नंबर है जहां पर आई नहीं दिखा उसको रियल नंबर। क्या ये इमेजिनरी नंबर है, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर, यस, देखो इसके आगे जीरो आई लिख दिया, अरे बाबा मतलब रियल नंबर नाम की कुछ चीज नहीं होती है, नहीं, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। क्या ये रियल नंबर है, देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रियल और इमेजिनरी दिखा, क्या इसको पूरे को मैं रियल नंबर बोल सकता हूं, नहीं। तो डायलॉग याद रख ली, बिलीक एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट अ रियल नंबर। मतलब सबका बाप अभी तक 10वीं तक रियल था, उसका बाप आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ गया क्या बोल रहा हूं, देख एक चीज बस समझ ले, जब मैं बोल रहा हूं जब इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है तो रियल नंबर बोलता है, जब रियल पार्ट जीरो होता है तो इमेजिनरी नंबर। सर आपको थोड़ा सिस्टमेटिक बोलना चाहिए, इमेजिनरी नंबर मत बोलो, प्योरली इमेजिनरी बोलो, प्योरली रियल बोलो, सर इज्जत है उसकी कुछ तो। 40 मिनट का वीडियो हो गया, हाँ चलो ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, यस सर नो, यस सर नो, चलो इतना इधर ही खत्म कर दूँ क्या, सोच रहा हूँ इधर ही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अरे बोल दो यार, इतना तुम लोगों को समझा, थोड़ा बहुत तो आइडिया आया रहेगा कि एक और एक और एक और एक और एक और, चलो एक काम करता हूँ, इतना तो लिखा रहेगा ना, तुम लोग लिख लिया रहेगा, या तो स्क्रीनशॉट मार लो, मारा बोलो हाँ हाँ हाँ, ठीक है ग्रेट। चलो ये देखो प्यारा वाला समय जो मैं बात करूँगा, एकदम प्यारा वाला, एकदम देखो मोहब्बत कर लेना, इसको स्टार मार दो, स्टार मार दो, जेड इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो तो रियल नंबर है, जीरो तो रियल नंबर है, देखो ना ये इंटीजर्स में जीरो आता है और एवरी इंटीजर्स इज अ रियल नंबर, ये नेचुरल नंबर में नहीं, होल नंबर में आता है, हाँ रैशनल नंबर भी है, इरैशनल भी है, ये चीज समझता है जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू जीरो प्लस जीरो आई, यस और नो, क्या इसके अंदर रियल पार्ट जीरो है, रियल पार्ट क्या है, जीरो। तो क्या मैं इसको, मैंने यहां पर क्या लिखा, अगर रियल पार्ट जीरो होता है तो मैं इसको प्योरली इमेजिनरी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, प्योरली इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर। अच्छा इसका तो इमेजिनरी पार्ट भी जीरो है सर, आई के साथ जीरो, तो इसको मैं प्योरली रियल भी बोल सकता हूँ। वाह 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 वाह, लाइफ में एक चीज मालूम पड़ा, जीरो ऐसा नंबर है जिसको मेरी मर्जी के हिसाब से मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, चाहूँ तो प्योरली रियल बोलूँ या तो प्योरली इमेजिनरी नंबर भी। शार मार करके रखने का, क्योंकि एक साथ कभी इंटरव्यू में पूछ लिया कि जीरो क्या होता है, तो बोलने का सर आपको क्या चाहिए वो बोलो, प्योरली रियल है तो प्रूफ करके दिखा देते। प्योरली रियल मतलब रियल का डेफिनेशन क्या होता है, जहां पर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, यहां पर प्योरली रियल का नंबर क्या होता है, जहां पर इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है, और यहाँ पर ये बरोबर लिखा ना, रियल पार्ट जीरो, ओके, जब रियल पार्ट जीरो होता है तो हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, वॉइस वर्सा समझ लो यहाँ पर। तो ये वीडियो को मैं इधर ही एंड करूंगा, और अच्छा लगा रहेगा तो देखो लाइक करो, तुरंत शेयर कर दो यार दोस्त को, क्योंकि देखो चैनल वायरल नहीं हो पा रहा है अगर जब तक तुम लोग शेयर नहीं करोगे, चलेगा, सब्सक्राइब करो या मत करो ये तुम्हारी मर्जी है, लाइक करो या मत करो तुम्हारी मर्जी है, बट शेयर तो कर दो यार, ताकि ये वीडियो पहुंच सके सबको, ठीक, चलेगा, हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और थैंक यू सो मच।